हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ गुलशन एंड आई एम अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो so, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पिंक स्मोकी आई मेकअप ट्यूटोरियल सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें सो so, मेकअप से पहले आप मेक श्योर sure करें आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे तो so, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस टोनर सो so, ये हेल्प करता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में सो इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप सो आफ्टर दैट मैं यूज़ करूंगी रेटिनॉल फ़ेस सिरम अब मैं इसे अपने पूरे फेस पे जो है अच्छे से लगा लूँगी एंड वन मोर थिंग गाइस वाओ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे मेड इन इंडिया है और वाओ के जितने भी प्रोडक्ट है वो आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे एंड ऑनलाइन भी मिल जाएंगे एंड देयर इज़ अ ऐप आल्सो सो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं आफ्टर दैट मैं यूज़ रही हूँ वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा विटामिन फेस क्रीम सो गाइज आई लव दिस क्रीम बिकॉज़ इट इज़ नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी और ये आपकी स्किन को जो है बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है सो so, वाओ के हर प्रोडक्ट पे क्यू आर कोड होता है सो so, अगर आप उसे स्कैन करेंगे उससे पता चल जाएगा आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है सो so, अब स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप और सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ एल्फ पोलिस बुटी प्राइमर और प्राइमर आपको हेल्प करता है आपका जो बेस है उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने में और आपका जो मेकअप uh, का जो बेस होता है उसे और स्मूथ करने में एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन सुपो स्टे 24 फोर आर फुल कवरेज फाउंडेशन इन दी शेड थ्री गोल्डन सो so, जैसा कि इसमें लिखा है कि ये आपको फुल कवरेज देता है तो ये एक्चुअल में आपको फुल कवरेज देता है आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन मतलब बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ईजिली आपके फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आप किसी चीज़ से भी ब्लेंड कर सकते हैं ब्रश या ब्यूटी स्पॉन्च सो अब मैं करूँगी आईब्रोज़ एंड आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एनेथासिया बेवरी डिप ब्रो इन शेड डार्क ब्राउन और उसे मैं और इससे मैं अपनी आईब्रोज जो है वो अच्छे से फिल कर लूँगी सो आई एम डन विद माय आईब्रोज नाउ और अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ सो आई मेकअप एल्फ कॉस्मेटिक का ये कंसीलर और इसे मैं अपने पूरे दोनों आईज पे लगा रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पिंक स्मोकी आई के लिए पिंक शेड और मैं उसे अभी अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और मैं इसे ऐसे ही अच्छे से ब्लेंड करती रहूँगी जब तक वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाता सो so गाइज अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप जाएँ और मुझे फॉलो करें वहाँ पर अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो सो आफ्टर दैट मैंने दूसरा ब्रश लिया है और मैंने पिंक शेड दोबारा लिया है और उसे मैं अपने आईलेट्स पे भी अच्छे से ब्लेंड करती रहूँगी सो so, इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने आईलेट्स पे, क्रीज पे एंड अब मैं अपनी पैलेट में से एक ब्लैक शेड लिया है मैंने और उससे मैं एज अ आई लगा रही हूँ सो so, मैं इसे आई की तरह यूज़ कर रही हूँ सो so, मैंने अपने वाटर लाइन के नीचे भी ये पिंक शेड यूज़ करा है और मैंने इसमें एक आ, शेड और मिक्स करा है जो कि है ब्लैक और उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी नीचे सो so, अब मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट काजल जो कि रिमिल लंडन का है और आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ ये आ, मस्कारा जो कि लॉरियल पैरिस का है एंड डन हाईलाइटिंग माई फेस मैं यूज़ कर रही हूँ ये लॉरल पेरिस का फुल वेयर कंसीलर जो कि मेरा फेवरेट है अगर आपने मेरी और वीडियोज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये कंसीलर मैं काफ़ी बार यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी जो फिनिश है वो बहुत अच्छी है सो so आपको कंसीलर वहीं ब्लेंड करना है जहाँ जहाँ आपने यूज़ करा है ये कंसीलर आपको बहुत अच्छी फिनिश देता है लाइक सीमलेस फिनिश सो मैं आपको सारे प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो नीचे मेंशन कर दूंगी और अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप मंगवा सकते हैं और आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि आगे मैं कौन से वीडियो करूं जो आप लोगों को पसंद हो और आपको देखनी हो तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मी गाइज सो so, मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स पे सो so, इससे जो है ना आपकी आईज जो है वो थोड़ी और बिग लगती है सो so, उससे और ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है सो so, अगर आपकी हुडेड आईज है तो आप करिए बिल्कुल करिए <laughs> और मेरे सब्सक्राइबर कहाँ हैं गाइज़ वॉच माई वीडियोज़ आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ सेटिंग पाउडर और वो जो पाउडर है वो है मे बीन फिट मी लूज़ फिनिशिंग पाउडर इन दी शेड ट्वेंटी फाइव मीडियम और इसे इससे मैं अपने फेस को जो है वो अच्छे से सेट कर लूँगी सो so, ये मेरा फेवरेट लूज़ फिनिशिंग पाउडर है बिकॉज़ ये आपको बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है और बहुत ही नेचुरल लुक देता है बहुत ही लाइट वेट है So, अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र जो कि है बेनिफिट का होला ब्रॉन्जर और जिस आ, जो हमारे फेस को जो है वो अच्छे से डायमेंशन देगा जो कि हमने इतना सारा फाउंडेशन और कंसीलर और आ, फेस पाउडर लगा के गायब कर चुके हैं हम so, सो अब ये हमारे फेस को जो है अच्छी सी डायमेंशन देगा सो so, हमारे फेस पे जो है डायमेंशन आ चुकी है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लश और ये जो ब्लश है वो है कलर बार का और उसे मैं अपने चीक्स पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट हाइलाइटर जो कि मैं अब हर वीडियो में यूज़ करती हूँ और आई थिंक अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा ये कौन सा हाईलाइटर है और ये हाईलाइटर है फैंटी ब्यूटी का सो so, लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ट्राई शुगर की मैट लिक्विड लिपस्टिक और मैं दो लिपस्टिक्स यूज करूँगी सो और बेटर इफेक्ट आए सो so, दूसरी लिपस्टिक जो है वो है नायका ब्यूटी की काशी uh, और आई लव दिस लिपस्टिक इट्स सो गुड और नाउ आई एम डन विद माय मेकअप इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच